लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या सोचने लगी? वही जिसे सोचने के लिए आपने मुझे बाध्य किया है। नहीं, मैंने तुम्हें बाध्य नहीं किया है। यह सोच तो तुम्हारे नारी सुलभ क्षोभ का परिणाम है। तुम बार बार ये क्यों भूल जाती हो कि तुम साक्षात शक्ति का अवतार हो। तुम्हारे इस रूप परिवर्तन के पीछे भी शिव शक्ति का कोई विशेष उद्देश्य ही है। और फिर इस सत्य को भी तो समझो कि तुम्हारे इस रूप परिवर्तन से तुम्हारे तेज और सौंदर्य में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है। इसलिए तुम व्यर्थ ही अपने मन को दुखी न करो देवी। इधर देखो देवी, हमारी ओर तुम्हारा क्रोध अकारण है। देवी, स्थिति को समझने का प्रयास करो। कुछ बोलोगी नहीं? तुम्हारे मौन में शांति नहीं, असंतोष है। और असंतोष मन को कलुषित करता है, इसलिए आवश्यक है कि तुम कुछ बोलो। जैसी तुम्हारी इच्छा। माता पार्वती का मन असंतुष्ट था, किंतु उनका ये श्याम वर्ण रूप एक नए घटना चक्र का संकेत था। इस सत्य से वे अनभिज्ञ थी, दूसरी ओर जगत की समूची घटनाओं से अनभिज्ञ, पर दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ दैत्य पुत्र शुंभ तथा निशुंभ ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए निरंतर प्रयासरत। शमन करें। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। परमपिता ब्रह्मा जी के पास इस हाहाकार की ध्वनि पहुंची नहीं होगी? हे प्रभु, क्या गति होगी उन वन प्रदेश के प्राणियों की? इस भीषण ज्वाला से उनकी रक्षा करें। स्वामी, शुंभ निशुंभ की तपस्या उग्रतर होकर चरम सीमा पर पहुंच गई है। उनका तपोबल जागृत हो चुका है। उनकी तप की ज्वाला से वन प्रदेश के प्राणी हाहाकार कर रहे हैं। पृथ्वीवासी, इन प्राणियों की रक्षा के लिए आपको शीघ्र ही वहां जाना होगा। हाँ देवी,
जो कुछ तुमने कहा है हम उन बातों से अनभिज्ञ नहीं हैं। आपको सब ज्ञान है फिर भी आप मौन हैं, गतिमान नहीं हो रहे हैं, वहाँ जा नहीं रहे हैं। हाँ देवी सरस्वती, हम अब तक उनकी तपस्या की उपेक्षा कर रहे थे। हम जानते हैं कि शुम निशुम अपने पूर्वज राक्षसों से अधिक बलवान और अधिक बलवान सिद्ध होंगे। देवताओं ने भी तो भूल कर डाली है। कैसी भूल स्वामी? हमारे द्वारा दिए गए परामर्श की अवहेलना करके देवताओं ने जो तपस्यारत राक्षसों पर शक्ति प्रयोग किया है उसका वे भीषण प्रतिशोध लेंगे। अब उनके अत्याचारों से उत्पन्न हाहाकार और अधिक भयावह होगा। बस इसी के उपाय के लिए मैं चिंता में डूबा हूँ देवी। आप चिंता में डूबे रहेंगे तो पृथ्वीवासियों को अकारण ही कष्ट भोगने पड़ेंगे। नहीं देवी, हमें पृथ्वीवासियों की उनके कष्टों से रक्षा करनी ही होगी। इस समय तो शुम निशुम को मनचाहा वरदान देकर हमें उनकी तप की ज्वाला को शांत करना होगा। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ ब्रह्मणे। शुम निशुम, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तपस्वियों, हम ब्रह्मदेव तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुए हैं। हम तुम्हें वरदान देने आए हैं शुम निशुम। आप हमारे वरदाता नहीं, हमारे शत्रु हैं ब्रह्मदेव। आपने तपस्या में हमें इतना कष्ट क्यों दिया? हमारे साथ ये पक्षपात क्यों? हम जानते हैं आप देवताओं के परम पिता हैं। आपने ही देवताओं को हम पर अत्याचार करने के लिए प्रेरित किया ताकि हम तप से डिग जाएं और आपको वरदान न देना पड़े। ये तुम दोनों का भ्रम है। हमारे विधान में पक्ष विपक्ष अथवा पक्षपात जैसा कुछ नहीं होता। ये सब पृथ्वीवासी मानव दानव में होता है। तो फिर प्रकट होने में इतना विलंब क्यों किया ब्रह्मदेव? हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। कैसी परीक्षा? तप करने वाले अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ हैं अथवा नहीं? हो गई परीक्षा। परीक्षा अवश्य हो गई, किंतु तुम दोनों क्रोध की ज्वाला को न बढ़ाओ। अब हमें वरदान दो ब्रह्मदेव। वरदान देने से क्रोध की ज्वाला अपने आप शांत हो जाएगी ब्रह्मदेव। हम तुम्हें वरदान देने का वचन देते हैं। शुम निशुम कहो, क्या वरदान चाहते हो? शक्ति का वरदान चाहिए। हमें चाहिए ऐसी शक्ति जो देव दानव मानव किसी के पास ना हो। हमें चाहिए ऐसा अधिकार जो तीनों लोकों में किसी के पास ना हो। हम चाहते हैं अमरता का वरदान ताकि कोई हमें मार ना सके। आप हमें ऐसी संहारक शक्ति प्रदान करें जिससे स्वर्ग में रहने वाले अमर देवता भी हमारे हाथों मारे जाएं। मौन क्यों हो गए ब्रह्मदेव? तुम दोनों ने एक साथ इतने सारे वरदान मांग लिए हैं जिनका देना हमारे लिए संभव है ही नहीं। हम तुम्हें केवल एक वरदान देने के लिए यहाँ आए हैं और एक ही वरदान दे सकते हैं। इसलिए तुम दोनों एक साथ विचार करके कोई एक वरदान मांग सकते हो। नहीं, हमें सभी वरदान एक साथ चाहिए ब्रह्मदेव। और जब तक हमें ये वरदान नहीं मिलेंगे हमारी इच्छाएं अधूरी रहेंगी। शुम निशुम,
हम तुम्हें अपार शक्ति का वरदान दे सकते हैं, परंतु अमरता का वरदान देना हमारे वश में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जन्म लेने वाले का मरण निश्चित है। हाँ, एक उपाय है। शीघ्र कहें वो उपाय ब्रह्मदेव। तुम अपने मरण को कठिन बनाने के लिए मारने वाले का चुनाव कर सकते हो। अपने मारने वाले का चुनाव हम करें? हमें मारने वाले को हम नहीं मार डालेंगे। तुम दोनों बुद्धि का उपयोग करो। यद्यपि हम जानते हैं कि असुरों के पास अधिक बुद्धि नहीं होती, फिर भी जितनी है उसका तो उपयोग करो। मरण तो निश्चित है, क्योंकि तुम दोनों असुर हो इसलिए तुम्हारी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी। अवश्य तुम किसी पुण्यात्मा शत्रु के द्वारा मारे जाओगे। मारे जाएंगे? तो फिर आपका वरदान क्या करेगा ब्रह्मदेव? इतना कठोर तप क्या हमने मारे जाने के लिए किया है? एक बार फिर समझ लो कि हम तुम्हें यहां वरदान देने के लिए ही उपस्थित हुए हैं, और ये भी कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए तुम अपने किसी ऐसे मारने वाले का चुनाव कर लो जिसका अस्तित्व ही असंभव हो। जिसका अस्तित्व ही असंभव हो। रामदेव, आपने तो फिर वही बात कह डाली जो हमारी बुद्धि से परे है। अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करें ब्रह्मदेव। तो सुनो, तुम ये वर भी मांग सकते हो कि तुम्हारा मरण किसी पुरुष के हाथ न हो। हाँ हाँ, हमें यही वरदान चाहिए ब्रह्मदेव कि हमारी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों ना हो। पुरुष हमें मार सकेगा नहीं तो भला स्त्री हमें मारने का साहस कैसे करेगी? फिर तो हम मरेंगे ही नहीं। पुरुष हमें मारेगा नहीं, स्त्री हमें मार नहीं सकेगी, फिर तो हम अमर हो ही जाएंगे। हाँ, भली भांति सोच विचार कर लो, स्त्री की शक्ति भी कम नहीं होती। ब्रह्मदेव, हमें मारने वाली स्त्री ऐसी हो जिसने माँ के गर्भ से जन्म ना लिया हो, और वो स्त्री विवाहित ना हो, कुंवारी हो, और वो हमें तभी मार सके जब हमारे मन में उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाए। फिर तो ऐसी किसी स्त्री का अस्तित्व ही नहीं होगा और ना हमारा मरण संभव होगा। हाँ हाँ ब्रह्मदेव, हमें ऐसा ही वरदान चाहिए। तथास्तु। पुरुष हमें मारेगा नहीं, स्त्री हमें मार सकेगी नहीं। स्त्री भी अयोनिजा, जो किसी माँ के पेट से उत्पन्न ना हो, वो भी कुंवारी, विवाहित नहीं। यूं कहो निशुम कि हम अजय हुए। हाँ भैया शुम, हम अमर हो गए। अब हम अपने वरदान का उपयोग करेंगे। अब हम तीनों लोकों में असुर साम्राज्य की स्थापना करेंगे। अवश्य करेंगे। त्रिलोक विजय। अंत में वही हुआ जिसकी आशंका थी। ब्रह्मदेव ने उन दोनों को वरदान दे ही दिया। अब स्वर्ग सुरक्षित नहीं है देवगण, अब स्वर्ग सुरक्षित नहीं है। देवराज, अब तो हमें अविलंब स्वर्ग पहुंचकर उसकी सुरक्षा का प्रबंध करना होगा। वो तो हम करेंगे ही वरुण देव, किंतु चिंता का विषय ये है कि ये वरदान पाकर इन दुष्ट राक्षसों की शक्ति और अधिक बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में स्वर्ग की सुरक्षा का प्रबंध करने पर भी क्या हम उसे सुरक्षित रख सकेंगे? नहीं वरुण देव, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मनोबल दृढ़ हो तो सब कुछ सरल दिखाई देने लगता है, और जब मनोबल ही टूट गया हो तो सरल भी कठिन दिखाई देने लगता है। और दुर्बल मन वाले प्राणी संघर्ष करने से पूर्व ही अपनी पराजय स्वीकार कर लेते हैं। किंतु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? किंतु देवर्षि, आप किंतु दुर्बलता का प्रतीक है देवराज, ये सत्य ना भूलें कि साहस सदा शक्ति के आगे आगे चलता है। साहस यदि प्राणी का साथ छोड़ दे तो फिर शक्ति भी वहां नहीं ठहरती। देवराज, साहस इन प्राणी शक्ति को प्रिय होता ही नहीं, फिर तो शक्ति भी प्राणी का साथ छोड़कर साहस के साथ दूर निकल जाती है। नारायण नारायण। आपकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है देवर्षि,
पर व्यावहारिक रूप में इनका क्या महत्व है? जो सजग और सचेत है उनके लिए निसंदेह इन बातों का महत्व है। अब यदि आपके लिए शक्ति और साहस के संबंधों का महत्व है ही नहीं, तो फिर यही माना जाएगा कि आप सजग और सचेत नहीं है। नारायण नारायण। देवर्षि, हम पहले से ही इतने अधिक पीड़ित हैं, आप अपने ये व्यंग बाण चलाकर हमारी पीड़ा को क्यों बढ़ा रहे हैं? नहीं देवराज, नहीं। नारद कभी किसी की पीड़ा नहीं बढ़ाता, और फिर नारद ही क्यों? कोई भी किसी को पीड़ित नहीं कर सकता जब तक प्राणी स्वयं पीड़ित होने के लिए तैयार ना हो। सत्य तो यही है देवराज, कि प्राणी की दुर्बलता ही उसकी पीड़ा को पाल पोस कर उसका आकार प्रकार बढ़ाती है। वैसे मैं तो आपको केवल मार्गदर्शन और परामर्श देने का इच्छुक हूँ। हमें आपसे यही अपेक्षा थी देवर्षि। बताइए बताइए, हमारे लिए क्या परामर्श है? इस समय मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि आप साहस का साथ ना छोड़ें, और सहायता के लिए ब्रह्मा विष्णु के पास भागे भागे न जाएं। देवर्षि परामर्श देकर चले गए, किंतु हमारी समस्या का समाधान तो हुआ ही नहीं। हे भोलेनाथ, समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें।